in the verse 1 is, you know, the 12 disciples were sent them to preach the gospel. अगर आप लूका का पूरा 10वां अध्याय की शुरुआत देखेंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह कैसे अपने 12 चेलों को दोनों करके भेजते हैं और वो काम करते हैं. They come back with the healing, they come back with the rejoicing. The oh प्रभु हमने क्या था सीतान को बहा दिया संगाई कर दिया तो वो लोग आनंद किया. Then प्रभु ने बताया इस चीज के लिए आनंद मत कर. But you should be happy that your name are written in the book of life. तो जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजते हैं दुनिया के अंदर कि जाओ चंगाइयां करो मेरे नाम से नाम का इस्तेमाल करो वो लोग जाते हैं दोनों के ग्रुप में और जब वापस आते बड़े खुश होके अरे पता है प्रभु आपके नाम से शैतान हमसे डर गया अरे आपके नाम से हमने चंगा कर दिया जैसे आपके नाम से प्रार्थना करी चंगाइयां हो गई. तो यीशु मसीह ने बोला कि इस बात पे आनंद मत करो कि शैतान तुम्हारे नाम से डर रहा है मेरे नाम से डर रहा है तुमसे डर रहा है लेकिन इस बात पर आनंद करो कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब है. So that is the same story and the same this in chapter 11. And then तो दसवें अध्याय में इसी के बारे में आगे पढ़ रहे हैं. So when the disciples Jesus was discussing like this, they come back from mission. तो जैसे कि एक मिशन से यीशु मसीह के चेले वापस आके यीशु मसीह से बात करते हैं. So they went for mission trip. पहले मिशन में गए थे वो लोग. So they come back to Jesus. अब वापस आए यीशु के पास. They giving the report. वो report देते हैं. Then there is a one man come up. तो एक आदमी खड़ा होता है. So this man is a very lawyer. He is a law. He is the studying of the law. तो एक व्यक्ति होता है जो कानून का पढ़ने वाला है. The Bible says this man is a very educated person. तो बाइबल बताती है वो व्यवस्थापक मतलब व्यवस्थापक तो यहाँ होता है. 25-26 there is a lawyer. तो 25 और 26 में हम देखते हैं कि एक व्यवस्थापक के बारे में बात हो रही है. So what kind of lawyer? किस तरह की व्यवस्थापक होता है? He know all the law. मतलब उसको व्यवस्था मतलब बाइबल की पूरी जानकारी होती है. The Ten Commandments. 10 आज्ञाओं की जानकारी. And he know the law of the Moses. और मूसा की व्यवस्था के बारे में जानता हूँ. Because the people are studying law. क्योंकि जो लोग व्यवस्था पढ़ते हैं. They know the law of India. वो भारत का व्यवस्था भी जानते हैं. The lawyer who are studying for the become a lawyer. तो जो लोग वकील बनते हैं उनको भारत के इतिहास संविधान की क्या जानकारी है. Become a lawyer. वकील बनने से पहले their main subject is to study the law of India. उनको भारत के संविधान का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए. So they know every law of India. वो भारत के सारे कानूनों के बारे में जानकारी रखते हैं. And after that only they become the lawyer. और उसके बाद ही वकील बनते. So that they can fight your case. तभी वो आपके केस आपके लिए लड़ पाएंगे. So without doesn't know the law they can't fight the case. अगर वो कानून नहीं जानते हैं संविधान नहीं जानते तो आपके लिए लड़ नहीं सकते. So now we don't know the law of India. We know some only, but we don't know so many law. अब हमें एक दो चीजें तो पता है लेकिन हम वकील नहीं बन सकते क्योंकि हमें भारत का संविधान की नॉलेज नहीं है. But these people they study so much. They have so many law for women, for children, for orphans, for what is that? We know so many law in India. लेकिन हमें और आपको नहीं पता भारत के संविधान के अंदर इतने सारे नागरिकों के लिए अलग अलग कानून बने हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए नाथों के लिए इतने सारे कानून है जो हमें पता ही नहीं आज. But the person who is the study okay. लेकिन जो व्यक्ति वकील होगा he was studying very nicely. आप उससे पूछो उसको सबसे अच्छे से बताओगे. Old law, new law and so many law every year pass. ये भी बता दो कि पहले कानून चल रहा था फिर कानून बदल गया अब कानून कौन सा चल रहा है वो सब क्या रखता होगा. Otherwise you are able to find your case when your case come. क्योंकि अगर उसको कानून की जानकारी नहीं है तो वो किसी के लिए केस नहीं लड़ सकता. So the same way now here is the lawyer come. तो यहाँ पर भी व्यवस्थापक के बारे में बात करें. He knows the law of the Bible. वो बाइबल की भी सारी व्यवस्थाओं की जानकारी रखता था. But he didn't have the spirit of God. लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने व्यक्ति रख लिया. He just know the law. वो व्यवस्था तो जानता है. And that law also he really don't know the meaning. और जानकारी भी अच्छे से कानून पता है लेकिन अच्छे से गहरी बातें नहीं पता. Then he come to Jesus Christ. वो यीशु के पास आता है. In verse what is that verse 25 and 26. तो 25 से वचन के अंदर यहाँ पे क्या चीज है आपको ही कम. तो व्यवस्था व्यवस्थापक किसलिए आता है? He come to the Jesus Christ. वो यीशु के पास आता है. He is a lawyer. ये वकील. He say to Jesus. और यीशु कहता है, Oh Guru. हे गुरु. Oh Priest. Oh our Master. कि हे गुरु. How we can able to enter to receive eternal life? What we need to do? तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करना चाहिए? He is a lawyer. वो वकील की तरह होता है. But he doesn't know the how to get salvation. पर उसको ये नहीं पता है कि अनंत जीवन पाना कैसे. He is a Christian. वो एक मसीही होता है. He know the Bible. बाइबल का तो क्या है? He know the Moses law. मूसा की व्यवस्था ही पता है. But he didn't have Jesus Christ. पर उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता. And he don't know what is his salvation. वो नहीं जानता कि यीशु मसीह क्या उद्धार देता है.
The Bible says whoever believes they get salvation. बाइबल ऐसे बताती है कि जो भी यीशु विश्वास करता है वो उद्धार होगा. Then this man told asked Jesus. ये व्यक्ति यीशु से पूछता है. How can we have inherit the kingdom of God, the eternal life? What we need to do? कि अनंत जीवन पाने के लिए, उसका वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? Jesus was हैरान हो गया. But then Jesus told. यीशु ने कहा. But this man want to test Jesus Christ. अभी ये व्यक्ति यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाह रहा. He want to trap Jesus. उसे पकड़ना चाह रहा. Now how Jesus is going to give the answer? चलो एक मुश्किल प्रश्न पूछता हूँ, देखते हैं यीशु क्या जवाब देगा. And then also same man are here today. Many people they become Christian but they don't know their salvation. और ऐसे आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग मसीही तो हैं लेकिन फिर भी अपने उद्धार की जानते हैं. They can't find God's salvation. उन्हें पता नहीं लगता कि अरे मुझे उद्धार मिला है कि नहीं मिला है. आप लोग ऐसे होते हैं? मेरे पास सल्वेशन मिल गया, उद्धार मिल गया, नहीं मिला. आप कोई क्वेश्चन ऐसा होता है? One day when I went to my place. पास्टर कह रहे हैं एक बार जब मैं अपने गांव गई थी. There is one leader. एक लीडर था. He was asking. वो पूछ रहा था. I don't know my salvation. I'm confused my salvation. वो कहता है पता नहीं अभी तक मुझे मेरा उद्धार मिला है नहीं मिला, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है. मेरा अंदर से मैं उनको नहीं बताया अंदर से बहुत हो गया अभी तक सल्वेशन मालूम नहीं है क्या है. तो अंदर से था उनको तो नहीं बताया तो मेरे को बताया किसी तरफ से हम मालूम हो जाएगा. Then I said, Jesus said that whoever believe you know that God's salvation. तो बाइबल ऐसा बताती है जो भी यीशु विश्वास करता है उसको उद्धार मिल गया है. But many people become a Christian but they're confused. लेकिन आज भी बहुत सारे लोग मसीही तो बन गए लेकिन फिर भी उनको अपने उद्धार की जानकारी. So the same man here is also the Bible. तो यहाँ भी हम देखते हैं who study the Bible. कि वो व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है the law and rule and regulation. जानता है एंड कमांडमेंट दस आज्ञा जानता है तो वो सल्वेशन पर उद्धार नहीं जानता. एंड विदाउट सल्वेशन यू कैन नॉट एंटर द गॉड्स किंगडम. और बिना उद्धार के प्रभु के राज्य में कभी जा ही नहीं सकते. दैट इज व्हाई ही कम टू जीसस क्राइस्ट. असली में यीशु के पास आता है. व्हाट वी नीड टू डू कि करना क्या है टू गेट सल्वेशन उद्धार पाने. व्हाट वी नीड टू डू क्या करना है टू गो टू हेवन स्वर्ग जाने के. देन जीसस लुक एट दैट मैन. तब यीशु ने उस व्यक्ति को देखा. देन ही वंडर्ड लॉयर What is the law say to inherit God's kingdom? तो तुम्हें क्या लगता है क्या परमेश्वर का वचन बताता है क्या कानून बताता है क्या व्यवस्था? You are studying the law. तुम तो व्यवस्था को. In Exodus chapter 20. व्यवस्था व्यवस्था में 20 निर्गमन 20 में लिखा हुआ है. 10 आज्ञाओं में. And Exodus chapter 6. और निर्गमन 6 में. And 5 and 6. Down to Exodus chapter 6 verse 5 and 6. खोलते हैं निर्गमन 5 और 6 अध्याय. Yes, Exodus chapter 6. That is the law that God has given. निर्गमन 6 read करना. Say का 5 and 6. 6 का 5 और 6. यहाँ पे लिखा है इज़राइली इज़राइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते थे उनका कहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है. इस कारण तू इज़राइलियों से कह मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों से नीचे निकालूंगा और तुमको मिस्रियों के बोझों से नीचे निकालूंगा. सुनत लव इट ऑल हैप इट ऑल इन माइंड इन दैट एक्सोडस चैप्टर 6 आई थिंक यू विल बी समथिंग टू एक्सोडस चैप्टर 6 हमारा परमेश्वर यहोवा यही है. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे जीव सारी शक्ति के साथ प्रेम करना और ये आज्ञा जो मैं तुझको आज सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे. आमीन. So now this is the law that God has given. तो ये वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी. Even Exodus 20 you read there there is a 10 commandment love the Lord with all your heart with all your mind with all your soul. Exodus निर्गमन 20 भी पढ़ते हैं वहाँ पर परमेश्वर 10 आज्ञाएं दी कि से परमेश्वर से प्रेम करना. So this is the law that this person know the lawyer the okay no. अब ये व्यवस्थित व्यवस्थापक होता है इस व्यवस्था को जानता है कि बाइबल के वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर से पूरे दिल पूरे मन पूरे जीव से प्रेम करना. So now the way Jesus giving the answer to this man. अब ये इस व्यक्ति को यीशु God is not giving answer. यीशु मसीह किस प्रकार से उत्तर देते हैं? He asks the question. वो प्रश्न पूछते हैं. He giving the answer. और उत्तर देते हैं. You see that verse 25. जब वो यीशु मसीह के पास आता है प्रश्न लेके तो यीशु मसीह
answer also. तो खुद ही उत्तर भी देता है. Read that 25 25 देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा. हे गुरु हम पढ़ रहे फिर से लूका 10:25 और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा. हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं. उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है. उसने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन सारे प्राण सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख. हाँ So then Jesus told that asking the question to get salvation, how we need to do. तो उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कि क्या करना चाहिए उद्धार पाने के. Then Jesus know this question. तो यीशु मसीह जल्दी से पढ़ा दिखा दे. He know. कि खुद ही जानता है. Then he asked them. अगर तू बता दे भाई. What is the reason in the in your law? क्या लिखा है तुम्हारे बारे में. You are a lawyer. You are okay. तो खुद वकील हो तो बता दो. Then he give you the answer. The answer is that to get the salvation, you need to love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. क्यों साथ मानेंगे ना परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है. और Jesus giving the answer to Jesus Christ. वो यीशु मुझे खुद ही उत्तर दे रहा है क्या. So Jesus told them to get salvation. यीशु ने कहा उद्धार पाने के लिए. God didn't ask that you spend money. परमेश्वर ये नहीं कहता पैसा खर्चो. The God didn't ask them you do this and that. परमेश्वर ये नहीं कहता ये करो कि वो करो. But God said to get salvation. क्या कहता है? First thing, पहली चीज़. Love God. परमेश्वर से. We know our mind, our mind. पूरे दिल, पूरे our soul, पूरे प्राण से. We know our mind, spirit. पूरे आत्मा से. We know our soul. We know our strength. पूरे अपने सामर्थ्य से. Then you will get salvation. तब उद्धार है. Then this man know the law, so he give the answer. अब ये व्यक्ति खुद जानता तो इसने बता दिया. Then Jesus also said, love the law, love your neighbor as yourself. अब जब उसने ये सब बोला तो उस व्यक्ति ने ये भी बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम. So love the Lord and love your neighbor as yourself. What is that? तो उन्होंने अच्छा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने का क्या अर्थ है. Then this person is the same. अभी व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा हो गया. He giving the answer. उत्तर तो question. He give the answer also. खुद ही क्वेश्चन ही मैंने पूछा आंसर भी मैंने दिया. Then he asking again Jesus Christ. और फिर से प्रश्न पूछता है यीशु से. Then who is my neighbor? अच्छा पड़ोसी से प्रेम रखना तो क्या पड़ोसी से love your neighbor. आप तो पड़ोसी से प्रेम रखो कौन सा पड़ोसी. So now this man trying to trap Jesus Christ. No, he just tried. He tried to be a clever. तो ये आदमी चालाक हो रहा है और सोच रहा है कैसे यीशु को फंसाऊं कुछ तो गलत बोले. So he is trying to trap Jesus Christ. तो यीशु को पकड़ना चाह रहा है. So he Jesus told the nice answer to your book in the law has written. तो यीशु बोलते हैं कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा हुआ है. Yes, salvation. यीशु उत्तर में लिखा. Then he said that you say love the Lord, love your neighbor as yourself. कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना. That is the story started. तो फिर यीशु ने अब उसको समझाना शुरू. Then you read that 28. तो जैसे उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है तो यीशु ने कहा उस 28 में उसने कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही करो जीवित रहेगा. परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है. So now he first question he himself answered. पहले उसने प्रश्न पूछा उत्तर. Second question फिर दूसरा प्रश्न पूछा लॉयर जीसस क्राइस्ट. अब यहां बात हो रही है व्यवस्थापक और यीशु. Then second question. दूसरा प्रश्न. You say in the book of law love your neighbor as yourself. कि आपने कहा कि अपने पर पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना. Then what is that? उसका अर्थ क्या हुआ? Then Jesus started the story. अब यीशु ने बताया पड़ोसी का क्या मतलब. Then what is the story? क्या दृष्टांत. Jesus made them to understand this question. तो यीशु मसीह उस व्यक्ति को समझाने के. Okay, who is the neighbor? पड़ोसी हमारा कौन है. Jesus say who is the neighbor. कौन है पड़ोसी. Jesus say that this person want to know who is the neighbor. अब वो व्यक्ति जानना चाहते कि मेरा पड़ोसी है कौन. My be mummy Shanti is my neighbor. पास से कह रही मेरे पड़ोसी शांति आंटी है. और कह रोहित and mummy are their neighbor. So we are neighbor. तो जैसे पास से कह रही वो और शांति आंटी पड़ोसी है. So now this man is telling who is my neighbor. तो इस व्यक्ति ने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है. Then Jesus is not talking about mummy Shanti is my neighbor. तो यीशु मसीह क्या ये नहीं बता रहे कि जो पड़ोस पड़ोस में रहते हैं घर जिनका पास में उनकी बात नहीं हो रही. Jesus talk about the story. यीशु मसीह बता रहे पड़ोसी का अर्थ क्या है. ठीक है listen. You just listen. ठीक है यीशु मसीह कह रहे ठीक है तुम्हें नहीं पता पड़ोसी कौन है अब सुनो. There is a man. एक आदमी होता है. This man is a Jews. ये आदमी यहूदी होता है. He was traveling. वो कहीं जा रहा होता है. Jerusalem to Jericho. या फिर यरूशलेम से यरीहो जा रहा होता है. He was traveling then the robber come. अब जाते जाते बीच में डाकू उस पर अटैक कर दे.
लेते हैं एंड द रॉबरी द नो द थीफ दे कम एंड अटैक दिस और सारे चोर आते हैं उसके कपड़े उतारते हैं उसे मारते हैं पीस ऑफ ही इज अ वन मैन ट्रैवलिंग अब क्या होता है एक व्यक्ति जा रहा होता है अलोन इन द रोड अकेला and having money see traveler they have money jo insaan safar karta hai kuch khana peena paise apni jeb mein lekar nikalta so the robber the thief come ab chor aa jata hai daku aa jate hain on the way raste mein sometimes hum traveler hote hain the thief aate hain unko suri karte hain you know phone you have things last time hum lady hum dono purari se is jar jane ke gaye the to hum log ko piche se aapki aise lady ka gold chain isse pakad ke scooty mein nikal gaya और हम नहीं मिल पाए जल्दी ऐसे गए सो द सेम थिंग दिस मैन वाज ट्रैवलिंग टू जेरुसलेम टू जेरिको ऑन द वे ऐसे ही व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर सफर कर रहा देन द रॉबर कम ऑन द वे अचानक डाकू आ गए दैट रॉबर कम बीट इन नाइसली और डाकू ने अच्छे से पीटा उसको द बाइबल से ही इज हाफ डेड बाइबल हमें बताती है अधमरा हो चुका होगा ही कांट डू एनीथिंग कुछ नहीं करता कपड़े तक उतार लेते इस तरह लेते हैं मैं इसे बताएंगे ठीक है so now he can't do anything that man was already half dead ab wo vyakti adhmara ho chuka hota hai because he alone kyunki wo akela tha khada hota hai robber coming ab yahan par ye nahi dikha kitne daku hain bahut sare daku hain coming bahut sare daku aate hain so they come and steal all the money wo aate hain aur sara paisa jo bhi uske paas hota hai all these things uske sare kapde and not only stealing not only stealing sirf chori nahi karte hain beating them pitai bhi karte hain wounded them जख्म भी हो जाते हैं he was wounded he was beating them half dead मारा जाता है अधमरा कर देते हैं उसको then what they do अब वो क्या करते हैं Jesus was telling to the story to this man यीशु मसीह अब इस व्यक्ति को क्या कहानी बता रहे हैं then there is the priest come अब क्या हुआ जब वो अधमरा पड़ा होता उसको देख के याजक आता है all the thieves लूट के निकल गया तो वो इंसान रास्ता में you know he was lying down then he lie down then there is a Jewish priest come तो अभी यहूदियों को जो याजक महायाजक टाइम होता है वो आता है द पास्टर कम जैसे बात है पास्टर है ऐसे राइट किक सर गए मतलब अरे क्या दिस मैन इज अबाउट टू डाई वो व्यक्ति मरने पर है बट ही सी एंड ही जस्ट गोइंग अनदर रो वो देख कर भी अनदेखा करके निकल जाता नो हेल्पिंग मदद नहीं करता देन अनदर टाइम अ प्रोफेट कम अब दूसरी बार भविष्यवक्ता आता है एंड ही सो द मैन वुड दैट ब्लीडिंग यू नो ब्लड and all the thieves and half dead again he saw the prophet priest come there sign another way but bhavishyavakta bhi aata hai wo bhi aata hai dekhta hai kya hua taras to aata hai and chalo koi nahi nikal jata they are free to take care of this man uska dhyan koi nahi rakhta khun jaye kitne nikal they don't want to take the responsibility zimmedari lene ke ready nahi tha then there is a samaritan ab ek samaritan jisme maine schedule class type ka banda aata hai those days samaritan and jews they are that was jews people consider samaritan as a dog kyunki उस समय यहूदी लोग सामरी व्यक्तियों को कुत्तों के समान समझते थे कि सबसे गंदी जाति इनकी they are always thinking that you know samaritan is untouchable मतलब ये तो छुछुआ छूत है मतलब गंदे लोग हैं इनको कौन देखे but you know samaritan also is Jews पर सामरी लोग भी यहूदी they are the when I will come to the story you should know okay samaritan who is the samaritan सामरी कौन होते हैं they are in the israelites so one time they have one kingdom इज़राइल जब था जब सुलेमान राज कर रहा था तो इज़राइल पूरा एक राज्य बात वेन सुलेमान का लेकिन जब सुलेमान मर गया हिज सन जेरोबोम बिकम अ किंग और उसका बेटा यरोबोम जो होता है वो राजा बन जाता है इज़राइल किंगडम डिवाइडेड टू नेशन उसके बाद इज़राइल दो भाग में बट जाता है जोदा एंड साउदर्न किंगडम एंड नॉर्थन किंगडम उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य सो नाउ द साउदर्न किंगडम इज द समरिटन तो जो जो दक्षिणी राज्य होता है वहां पर सामरी लोग रहते हैं सो द नॉर्थन किंगडम इज द जुदा ट्राइब द ज्यूस पीपल और जो उत्तरी जगह होती है वहां पर यहूदी लोग रहते हैं सो नाउ व्हेन द किंगडम डिवाइडेड जब राज्य अलग अलग हो जाता है दैट सो मेनी असरीन कम एंड कैप्चर इन समरिटन तो बहुत सारे अशूरी राजा आके उनको कैप्चर कर लेते हैं एंड नाउ दे आर मैरिड टू सो मेनी असरीन द पीपल हु आर नॉट ज्यूस और उसके बाद यहूदी लोग बहुत सारे गैर यहूदी लोगों से शादी कर लेते इन द साउदर्न किंगडम दक्षिणी राज्य देन नाउ द पीपल वाज स्टार्टेड मिक्सिंग अब क्या हुआ लोग मिक्स होने लग गए देन द इजराइल ज्यूस पीपल अब जो इजरायली यहूदी लोग हैं दिस किंगडम आर दे आर नॉट अनटचेबिलिटी मतलब ऐसे सामरी लोग तो बेकार कर गॉड टोल्ड देम यू शुड नॉट मैरी टू एनी अदर क्योंकि प्रभु ने कहा है किसी दूसरे व्यक्ति की शादी नहीं करनी है दे मैरी दे मिक्स टुगेदर इन्होंने तो किसी दूसरे की जाति शादी कर ली सो नाउ दे दे डोंट वांट टू एसोसिएट द समरिटन पीपल और इसलिए यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ ज्यादा मेल मिलाप पसंद नहीं करते सो नाउ दे बिकम अनटचेबिलिटी तो इसलिए वो एकदम अनटचेबिलिटी दे बिकम
that they are the high class people. क्योंकि यहूदी लोग सोचते हैं हम high class हैं, they are Brahmin. हम ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं. So when the Samaritan go, तो जब सामने कहीं से निकलता भी है ना, then they go to another side. वो कहते हैं भाई यहाँ से जाना भी है, दूसरी रोड ले लो. And this people, and when they are touching, और जब वो छू ले, they go back and take back. अरे ये दोबारा नहाना पड़ेगा, घर जाके नहाते हैं. And they are with this much that they are hate them. इस हद तक उनसे नफरत करते हैं. Then now the Jewish person who is about to die on the road. अब वो व्यक्ति जो यहूदी है और रोड पे अधमरा पड़ा होता है. His own people coming. उसके खुद के लोग जो पास्टर है, प्रॉफिट, खुद के लोग होते हैं. They come and they didn't help. वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, पर मदद कोई नहीं करता. But the outside Samaritan लेकिन दूसरे जाति का सामरी व्यक्ति आता है. He was the sitting those they no vehicle. उस समय गाड़ी बाइक तो होती नहीं थी. They travel by foot, camel. वो अपने ऊंट पर बैठ के जा रहा होता है. So this man taking oath and coming and he saw this man. और वो ऊंट पे ज्यादा दिखता है, ये बेचारा यहाँ पे पड़ा हुआ है. He was wounded. तो जख्मी होता है, खून निकल रहा होता है, नग्न भी होता है. All the Jewish people pass by. तो यहूदी लोग तो देख के जा रहे थे. But this अंतर समिति पर ये जो शूद्र लो क्लास का व्यक्ति होता है, and they consider to be a dog. ये जो कुत्ता समझते हैं यहूदी लोग. And now he come and sick it out. वो देखता है, अरे क्या हो गया इसको? This person will die. इतना खून निकल रहा है. Then he pick up. उसे उठाता है. And he put in his pot. अपने ऊंट पर रखता है. Then he take it here. और उसको लेकर जाता है. He took to the hospital. और अस्पताल में लेके जाता है. And he take it here nicely. और वहाँ पर वो उसके लिए पैसा भी खर्चता है कि डॉक्टर लोग अच्छे से इलाज करो. Wound and everything. और जो भी जख्म उसके लगे होते हैं. All the money also. पैसा भी खर्चता है. The Bible says this man is a very busy man. और बाइबल बताते हैं बहुत बिजी व्यक्ति होता है. Then he could not able to take out very fast. अब ऐसा तो है नहीं फटाफट गया फटाफट बाहर निकल गया. This man is serious wounded. क्योंकि बहुत व्यक्ति सीरियस होता है. So he is not so late in the hospital 1 week or 2-3 days. तो हो सकता है वो अस्पताल में एक हफ्ता दो तीन दिन रुका होगा. Then this man told. तब इस व्यक्ति ने अस्पताल से बाहर जाते हुए क्या बोला? I have some work. अरे मुझे कुछ काम है. But he told the man. पर कोई नहीं, आप मेरे पेशेंट को अपने पास रखो. Please taking care of this. सर ध्यान रखो, इस पे खर्चा कर लेना डॉक्टर साहब. I will return back. मैं जब वापस आऊंगा ना, all the money that is. इतना खर्चा आप कर रहे, सारा बिल बचवाओ. I will come back. I will pay. मैं pay करूँ. I need to go. अभी जाके मुझे जाना पड़ेगा. So that interest that he giving to them. मतलब इतना पैसा और इतना रुचि उसमें दिखा रहा. So this man taking care of us, somebody then taking care nicely. तो मतलब एक सामरी व्यक्ति उस यहूदी का ध्यान रख रहा था. See, this is the story Jesus and lawyer now talking. अब ये कहानी यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक को. So Jesus is talking to the lawyer. अब यीशु मसीह वकील या व्यवस्थापक को बता रहे हैं. See, now the priest, pastor, healer, they come, but they are not taking care. वो बता रहे हैं यीशु मसीह की, देखो जो वह व्यक्ति अधमरा पड़ा है, वो पास्टर, प्रॉफिट, महायाजक भी गुजर गए. सामरी व्यक्ति, एक लो क्लास के व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी, देखो. So this man taking care nicely everything. हर चीज में पैसा भी खर्चा, ध्यान भी रखा, टाइम भी वेस्ट किया उसने अपना. Then Jesus told them in the end, let us see. और फिर अंत में यीशु मसीह उससे क्या बोला? And read the 36, 37. 35 से पढ़ेंगे. दूसरे दिन उसने दो दिनार निकाल कर सराय, जो यहाँ पे सराय लिखी है, के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा तो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा. अब तेरी समझ में जो कुछ डाकुओं में घिर गया था. अब यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछ रहा है, अब तेरे दिमाग के अनुसार जो व्यक्ति डाकुओं में घिर गया था, जिसको डाकुओं ने मारा, अब उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? क्या महायाजक, क्या वो यहूदी, वो भविष्यवक्ता, या फिर वो सामरी व्यक्ति? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया करी. फिर यीशु ने कहा, जा, तू भी ऐसा. Amen. So now Jesus is explaining that about the neighbor. तो यीशु मसीह बता रहे हैं पड़ोसी होने का क्या अर्थ. So because this lawyer tells them who is our neighbor. तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है. So Jesus was telling the story. This is the good Samaritan is the neighbor of this man. तो यीशु मसीह मतलब ये बताना चाहते हैं कि ये एक सामरी व्यक्ति उस व्यक्ति का पड़ोसी. So our neighbor is now, for example, हम लोग का neighbor कौन है? हम लोग का नाइबर अभी प्रभु का मालूम नहीं है. तो हम लोग का दुश्मन लोग हम लोग का नाइबर है, पड़ोसी है. सो नाउ दिस ज्यूज एंड जेंटाइल एंड समरीटन दे आर दुश्मन, दे आर एनिमी. तो यहूदी लोग और सामरी लोग आपस में दुश्मन होते हैं. बट गॉड मेड देम अंडरस्टैंड टू दिस पर्सन. पर परमेश्वर ने कैसे उसको समझाने के लिए इस्तेमाल किया.
किया. Jews and Jews is not the neighbor. यहूदी यहूदी पड़ोसी नहीं है. Gentile is Gentile is not the neighbor. या फिर कोई गैर यहूदी पड़ोसी नहीं है. So Jesus is telling to this man. यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? Your neighbor. कि तुम्हारा पड़ोसी. Is the good Samaritan who taking care is जो एक अच्छा सामरी व्यक्ति जिसने तुम पर दया करी वो तुम्हारा पड़ोसी कहलाया. This is the neighbor. इसे पड़ोसी कहा जाता है. You also go. तुम भी इसी प्रकार जाओ. Same thing what the good Samaritan. जो एक अच्छे सामरी व्यक्ति ने किया. You also go and do. तुम भी करो दूसरों के लिए. You will get salvation. तब तुम्हें उद्धार मिलेगा. You will get eternal life. तब अनंत जीवन मिलेगा. Then this person does, and then he go when he said. हमारा पड़ोसी कौन?